कांग्रेस की दिल्ली में थी तो इन्होंने हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, किया था कि नहीं किया था? और मित्रों ये बताइए कि इन्होंने कोयले का घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था बहन? मतलब न नभ छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न जल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया ये कांग्रेस पार्टी ने कर। मित्रों अब मैं आपको सामने भूपेश बघेल जी की बात कर रहा हूं। बताओ उन्होंने गंगा जल लेकर के कहा था कि नहीं कहा था बहनों कि मैं शराब बंद कर दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? गंगा जल हाथ में लिया था कि नहीं लिया था? और इन्होंने शराब तो छोड़ो, 2161 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला ही कर डाला, घोटाला कर डाला। आप बताइए इन्होंने चावल का घोटाला कराया किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? मालूम है कितने का? 5000 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा काम नहीं करते हैं बघेल साहब, बड़ा काम, 5000 करोड़ रुपए। और कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? 540 करोड़ रुपए। और डीएमएफ घोटाला किया कि नहीं किया? गोठान घोटाला किया कि नहीं किया? गोठान घोटाला किया कि नहीं किया? और तो और छोड़ो, गाय के गोबर का घोटाला किया कि नहीं किया? ऐसा आदमी देखा जो गोबर का भी घोटाला करता हो? देखा किसी ने? ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? और अब तो इन्होंने सत्ता पाने के लिए सत्ता में भी घोटाला किया है, सट्टेबाजी भी की है। सत्ता में आने के लिए सट्टेबाजी का घोटाला, कितने का घोटाला है? 6000 करोड़ रुपए का घोटाला। और एक आदमी है असीम दास, उसने बयान दिया है कि मैंने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। ये भ्रष्टाचारी लोग आपकी सेवा करेंगे क्या? आपकी सेवा करेंगे क्या? इनको जाना है कि नहीं जाना है? और एक बात और बताओ, ये धोखे की सरकार है कि नहीं है? देखिए मैं पूछना चाहता हूं, आपका बिजली का बिल आधा हुआ क्या?